विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। तथागत बुद्ध की इस पावन धरती पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भाइयों बहनों, कई मायने में हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज शरद पूर्णिमा का पावन तिथि भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले लौकिक संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है और बौद्ध परंपरा के अनुसार अभिधम्म दिवस भी आज के अवसर पर है। और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता
सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का यह संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है, चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी, और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था। और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।